डॉक्टर साहब शू लागे छे? ये घाव भर जाएंगे ना? चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, लेकिन घाव भरने में थोड़ा टाइम जाएगा। काका आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जाने कितने घाव दिए होंगे मेरी बच्ची को उस आदमी ने, और वहां पर कोई मलम लगाने वाला भी नहीं होगा। संयम से हर घाव भर जाता है बड़ी माँ, पर मन के घाव का क्या, उन्हें कौन सा मलम लगाऊं, उन्हें कैसे सहलाऊं? कमरे में जाके थोड़ा आराम कर ले। हाँ, जाओ अपने कमरे में और सोचो कि ये जो तुमने किया वो ठीक किया क्या? अगर ऐसा कुछ था तो हमें बताती, हम कुछ करते। क्यों सारे गांव वालों के सामने अपने पति को जेल भिजवाना सही था क्या? बड़ी काकी, दीदी की जान पे बनाई थी उस आदमी की वजह से। दीदी ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। ठीक किया तो एक काम करो, अपनी दीदी की आरती उतारो। सारा गांव थू थू कर रहा है, और ये बात तो सही है ना कि सारी रात कुमुद उस सरस के साथ रही थी। क्योंकि सरस को गोली मारी थी प्रमाद ने, उन्हें ऐसी हालत में दीदी कैसे छोड़कर आ जाती? और आपको इन दोनों को छोड़कर पूरे समाज की चिंता हो रही है। कुसुम आवाज नीचे, चाहे कुछ भी हो बड़ी ये घर की। सरस बेटा, जो हालात हैं उसमें हम दोनों पर भरोसा करना मुश्किल होगा, पर मैं अपनी मां की कसम खाता हूं कि कुमुद को नहीं। सफाई देख के मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा, अरे तू तो मेरे कुमुद को सही सलामत घर वापस लाया है। मैं तो बस तेरा एहसान मानना चाहता हूं बेटा, तू किसी भी बात की फिक्र मत कर, जो भी होगा हम देख लेंगे। भैया मैं चला जाता हूँ, कम से कम कुछ दिनों के लिए आप रुक जाइए यहाँ। और कुमुद जी, उनका क्या होगा? मेरा जो भी हो फैसला हो चुका है, और मुझे सबको ये बताना होगा। दीदी दीदी, आपको याद है उस दिन मैं कितनी उदास थी, और हम तीनों ने फोन पे वो गेम खेला था, और मेरा मूड एकदम से ठीक हो गया था, और आज तो हम सब इतने उदास हैं। क्यों ना हम फिर से खेलें वो गेम? हाँ, आपसे शुरू करें। चलिए चलिए, यहाँ बैठ। हाँ, बादल, बिजली, खिचड़ी, अचार, कागज, कविता, आंगन, फूल, आसमान, पतंग। दीदी क्यों ना आज पतंग उड़ाए?
हाँ दीदी थोड़ी तो डराते हाँ? बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे दीदी चलो तो सही, मन तो अपने आप ही बन जाएगा। हाँ, चलो अरे मेरी बात तो सुनो। पर चलो अरे चलो ना दीदी चलो। कहाँ ये सब आप उड़ा के दिखाओ, हम भी तो देखें कहीं पतंग उड़ाना भूल तो नहीं गई। हाँ, ये लीजिए देखते हैं आपकी पतंग कितनी ऊंची जाती है। अरे ये कैसी पतंग लेकर आई, हवाएं नहीं पकड़ रही। हाँ वो क्या है ना हवा थोड़ी खराब है। ऐसा कहिए ना आप पतंग उड़ाना भूल गई है। अगर पतंग उड़ानी हो तो पतंग और खुद में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। अच्छा वैसे ये ज्ञान आपको किसने दिया? ये ज्ञान मुझे रत्न नगरी की सबसे मशहूर पतंगबाज ने दिया था। क्या नाम था उसका? हाँ तेज धार। ये सीख उन्होंने ही मुझे दी थी। था ना एकदम सही सीख थी। कुसुम कुमारी नीचे आओ। अब हम अभी आते। अरे 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 क्या कर रहे हो, अभी जाती पतंग डूबू। उत्तरायण के वक्त भी तुमने ऐसी कटवा दी थी पतंग। और तुम पतंग को पकड़ने उसके पीछे भागी थी पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया था क्योंकि सूरज डूबने से पहले तुम्हारा चेहरा जो देखना था मुझे। हाँ पर तब वक्त कुछ और था, अब वक्त बदल चुका है। सही कह रहे हैं, अब वक्त बदल चुका है। मुझे जाना होगा, चलता हूं। रुक जा। नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि लोग पूछेंगे कि पतंग का डोर से क्या रिश्ता है। लोगों से कहना कि पतंग के बिना डोर अधूरी है और हमेशा अधूरी ही रहेगी। अगर डोर को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर तो हाथ कट सकता है। और वैसे भी इस डोर ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। Bye.